नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको ड्राई ट्राइब एयर क्लीनर कैसे काम करता है इंजनों में उसकी जानकारी दूंगा। हमारे पास एक ट्रैक्टर है और इसमें ड्राई ट्राइब एयर क्लीनर लगा हुआ है। हम इसका फिटमेंटल देखते हैं कि कैसे एयर अंदर आती है और क्लीन होती है और तथा इंटेक मैनिफोल्ड के थ्रू हमारे इंजन में जाती है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बोनट खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं तो सबसे फ्रंट में ये जो यूनिट आपको दिखा रही है ये ड्राई ट्राइब एयर क्लीनर की यूनिट है। इस ड्राई ट्राइप एयर क्लीनर की यूनिट में ये वाला जो हिस्सा आपको दिखा रहा है पोर्शन, ये आपका प्री क्लीनर है। ये आपका प्री क्लीनर है और प्री क्लीनर में ही डस्ट कवर लगा हुआ है। साथ में जब हम इसे खोलेंगे तो इसके अंदर दो फिल्टर निकलेंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो अभी हम लोग खोलना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये देखते हैं कि इसमें हवा कहाँ से इंटर होती है। अगर हवा की हम लोग बात करें तो जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो जो एयर होती है वो हमारे प्री क्लीनर में यहाँ से होते हुए देखिए नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ से एयर इंटर होती है। आपको दिख रहा होगा ये डस्ट कवर में, ये उंगली में अगर यहाँ से डालूँ तो यहाँ से एयर क्या होती है अंदर जाती है। जब अंदर जाती है तो ये इसके चारों साइड पूरा सर्कुलेशन होता है एयर का, एक बवंडर सा बनता है। तो जो मोटे पार्टिकल होते हैं साइक्लोन में, जो मोटे पार्टिकल होते हैं वो सारे इस डस्ट कवर में रुक जाते हैं। इस डस्ट कवर को हम लोग खोल भी सकते हैं, ठीक है। ये डस्ट कवर हम लोग यहाँ से खोल रहे हैं, देखिए। तो डस्ट कवर में ये देखिए जब एयर यहाँ से आती है, देखिए ये एयर आ रही ना, ये देखिए जब एयर यहाँ से आएगी तो एयर इसके चारों साइड साइक्लोन में होगी और यहाँ से सेंटर से होते हुए, ये देखिए साइड से आ रही है और इस सेंटर से होते हुए इस डस्ट यहाँ सेंटर से होते हुए हमारे एयर फिल्टर में जाएगी। इसके पीछे वाले हिस्से को जब हम लोग कवर को खोलते हैं, ठीक है, तो इस कवर को हम लोग देखें तो यहाँ से कवर जैसे हम लोग यहाँ से खोलते हैं तो इसमें टू टाइप्स के फिल्टर यहाँ दिख रहे हैं आपको। पहला फिल्टर ये देखिए, ये प्राइमरी फिल्टर है और ये जो प्राइमरी फिल्टर है ये आपका कागज का बना हुआ है। ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर है, फिल्टर एलिमेंट इसको कहा जाता है। और जो सेकेंडरी दिख रहा है ये हमारे पास सेकेंडरी फिल्टर, दो फिल्ट्रेशन का इसमें फिल्ट्रेशन होता है। ये देखिए पहला जो आपका कागज का है प्राइमरी फिल्टर और दूसरा नायलॉन की जालियां बनी हुई है, रस्सी बनी हुई है इस पर। अब क्या होता है एयर आती कहाँ से है वो हम लोग देखते हैं। जब फिल्टर लगे होते हैं तो यहाँ पर देखिए फिल्टर लगे हैं इस तरह, आइए इस साइड साइड में। एयर जब अंदर आएगी तो इस बाहर वाले सर्कल में एयर आती है, ये वाला सर्कल दिख रहा है ना आपको, इस वाले सर्कल में एयर आती है। फिल्ट्रेशन बाहर से अंदर की तरफ होता है, पहले बाहर एयर आएगी, चारों साइड सर्कुलेशन होगी और इन पेपर फिल्टर की सहायता से इंटरनल जाएगी, एक्सटर्नल टू इंटरनल, बाहर से अंदर की तरफ जाती है। जब अंदर की तरफ यहाँ से जाएगी तो फिर उसे सेकेंड फिल्टर मिलेगा, तो सेकेंड फिल्टर के भी बाहर से अंदर की तरफ जाती है। तो जो भी एयर फिल्ट्रेशन हो रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, दोनों में फिल्ट्रेशन होगा। और फिल्ट्रेशन होने के बाद एयर जो है हमारे इस सेंटर वाले पॉइंट से, ये जो आपको सेंटर पॉइंट दिख रहा है, बाहर से इस चारों साइड एयर आती है, ये प्राइमरी के लिए होगी, ये सेकेंडरी के लिए होगी और सेंटर से होते हुए हमारे इनलेट मैनिफोल्ड में जाती है। इस तरह ये फिल्ट्रेशन करता है। ये फिल्ट्रेशन अगर हम लोग बात करें तो जो प्राइमरी फिल्टर फ्यूल, प्राइमरी जो हमारा एलिमेंट है इसको लगभग 300 से लेके 400 घंटे में हमें इसे चेंज करना है, और जो सेकेंडरी वाला है ये लगभग 800 से लेके 1000 घंटे में हमें चेंज करना है। तो इस तरह ये हमारा काम करता है आपका ड्राई ट्राइप एयर क्लीनर। और साथ में अगर हम लोग देखें जिन इंजनों में टर्बो चार्जर लगे होते हैं तो टर्बो चार्जरों के लिए एयर जो होती है वो गर्म हो जाती है, तो उसको कूलिंग पर्पज़ के लिए देखिए यहाँ पर इसका जो डस्ट कवर है, इस डस्ट कवर को निकाल कर उन्होंने क्या करा, यहाँ से देखिए जो हमारा फैन है, फैन के साइड में जो ठंडी हवा फेंक रहा है, फैन जो आगे की तरफ चल रहा है उस यहाँ से हवा आएगी, इंटर होगी और यहाँ से होते हुए ये देखिए इस वाले हिस्से से हमारे फिल्टर के ऊपर जाएगी। तो दो जगह से इसमें एयर आती है, एक प्री क्लीनर से आती है और थोड़ी सी ठंडी हवा हमारे इसमें आती है, इस वाले होस पाइप से इसमें आती है। तो इस तरह ये फिल्ट्रेशन काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।